log on our channel and watch variety of videos. एक बच्चा दूसरे से, क्या हुआ तुम मिट्टी क्यों खोद रहे हो? दूसरा बच्चा, यार दादाजी ने कहा था कि तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है, बस वही ढूंढ रहा हूँ। दो सिख दोस्तों को एक खेत से दो बम मिल गए। पहला सरदार, यार ऐसा करते हैं कि ये बम पुलिस को दे देते हैं। दूसरा सरदार, अगर रस्ते में एक बम फट गया तो? पहला सरदार, तो इसमें डरने वाली क्या बात है, कह देंगे कि एक ही बम मिला है। किसी ने एक आंटी के पास बम रख दिया, हर किसी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आंटी बम है, आंटी बम है। आंटी पहले तो शर्माई, फिर मुस्कुरा कर बोली, नहीं पागलो, अब पहले जैसी बात कहाँ। एक अमेरिकी फौजी को अफगानिस्तान में पोस्टिंग के दौरान एक चिराग मिल गया, उसने चिराग रगड़ा तो धमाका हुआ और वो मर गया। इससे सबक हासिल हुआ कि हर चीज अलादीन की नहीं होती, कुछ चीजें मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। एक सरदार बीवी के साथ फिल्म देख रहा था, फिल्म में जज ने कहा कि दो दिन के बाद फैसला होगा, ये सुनकर सरदार ने टीवी बंद कर दिया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया? सरदार, दो दिन के बाद देखेंगे। प्रिंसिपल स्टूडेंट से, लेट क्यों आयो? तुम्हारे दोस्त तो सब वक्त पर आते हैं। स्टूडेंट, ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं सर, शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल, चल मेरा शेर बेटा, फिर जल्दी से कुकड़ बन जा। पठान पुलिस से, कल रात मेरे घर से टीवी के अलावा सब सामान चोरी हो गया। पुलिस, तो टीवी क्यों छोड़ गए वो? पठान, क्योंकि टीवी मैं देख रहा था। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर चाहिए। स्टोर वाला, मैं आपको तब तक जहर नहीं दे सकता जब तक आप इसका इजाजतनामा नहीं दिखाएंगे। आदमी ने फौरन उसे दो निकाह नामे निकाल कर दे दिए। स्टोर वाला, काशिफ बेटा, वो ऊपर से जरा जहर की बड़ी बोतल तो निकाल के लाओ। बाप बेटे से, अगर तुम इस दफा इम्तिहान में फेल हो गए तो मुझे डैडी मत कहना। कुछ दिनों के बाद बाप बेटे से, हाँ भाई तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? बेटा, फेल हो गया हूँ बशीर साहब। बीवी शोहर से, मैं सोचती हूँ अगर मैं मर गई तो आपका क्या होगा? शोहर, और मैं सोचता हूँ कि अगर तुम ना मरी तो मेरा क्या होगा? एक ग्राहक मिरासी दुकानदार से, यार चिकन बिरयानी में तो चिकन है ही नहीं। आगे से मिरासी दुकानदार, सर जी कभी गुलाब जामुन में गुलाब देखा है? एक पार्क में एक जोड़ा बैठा हुआ था कि ऊपर से पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछा, कौन है आप? आगे से आदमी बोला, जी हम दोनों तो शादीशुदा हैं। पुलिस, तो फिर घर जाकर बैठो। आदमी बड़ी मासूमियत से, जी घर गए तो इसका शोहर और मेरी बीवी बहुत गुस्सा करेंगे। एक सरदार और एक पठान जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें 1000 का नोट मिला। सरदार, चलो खान साहब 50-50 कर लेते हैं। पठान, वो तो ठीक है मगर बाकी 900 का क्या करेंगे? मरीज डॉक्टर से, मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है, जब मेरी बीवी बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर, अबे ये बीमारी नहीं, ये तो अल्लाह की खास रहमत है। एक पठान दोस्त से, यार आजकल मैं रोज मुर्गी के साथ रोटी खाता हूँ। दोस्त, वाह यार इतनी महंगाई में वो कैसे? पठान, एक नवाला खुद खाता हूँ और एक मुर्गी को डाल देता हूँ। एक शिकारी ने दूसरे से कहा, मैंने मिस्र में 100 चीते मारे हैं। दूसरा बोला, मिस्र में तो चीते होते ही नहीं है। पहला शिकारी, होंगे कैसे, सारे तो मैंने मार दिए हैं। सरदार डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे रात को गधे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, अच्छा मैं तुम्हें दवाई लिख देता हूँ, अब तुम्हें नजर नहीं आएंगे। सरदार, लेकिन मैं दवाई कल खाऊंगा। डॉक्टर, वो क्यों? वो इसलिए कि आज उनका फाइनल है। एक सरदार की शादी नर्स के साथ हो गई। दोस्त ने पूछा, सरदार जी कैसी गुजर रही है? आगे से सरदार, यार जब तक उसको सिस्टर ना कहूँ जवाब ही नहीं देती। एक सरदार के सर से खून निकल रहा था, डॉक्टर ने पूछा, ये क्या हुआ? सरदार, डॉक्टर साहब मैं हाथ से दीवार तोड़ रहा था, किसी ने मुझे आवाज दी कि खोपड़ी का भी इस्तेमाल करो। बीबी खावन से, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? खावन, हल्का सा धक्का। एक जेलर ने मरासी को कहा कि कल 5 बजे सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। ये सुनकर मरासी जोर जोर से हंसने लगा। जेलर ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? मरासी, क्योंकि मैं तो सुबह उठता ही 9 बजे हूँ। एक सरदार दूध की दुकान पे गया और बोला, 1 किलो गाय का दूध दे दो। आगे से दुकानदार, आपका बर्तन छोटा है। सरदार, अच्छा चलो फिर बकरी का दे दो।
तीन सरदार एक बेड पर सो रहे थे, मगर तीनों की जगह सही नहीं बन रही थी, तो एक सरदार उठकर नीचे सो गया। ये देखकर दूसरा सरदार बोला, कोई नहीं ऊपर आ जाओ, अब जगह बन गई है। बीवी शोहर से, सुनिए जी, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शोहर, मैं क्यों रोकूं उसे, साले ने मुझे रोका था, मेरी शादी पे तो बड़ा नाच रहा था। एक पठान, हम इस कमरे में नहीं रहेगा, पैसा इतना दिया और कमरा इतना छोटा। दूसरा आदमी, अबिन नसवार की छोटी डब्बी अंदर चल, ये तो लिफ्ट है। सरदार की माँ की तबीयत खराब हो गई, वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा इसके दो टेस्ट होंगे। ये सुनकर सरदार ऊंची ऊंची रोने लगा कि हाय अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा लेता। Share it and like it. Subscribe our channel.